नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपके घर में धन संपदा और सुख समृद्धि लाने के विषय में, आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाने के विषय में। घर में इस तरह रखा गंगाजल लाता है घर में गरीबी और कंगाली। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में गंगाजल रखा होता है उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। लेकिन कई बार हम गंगाजल रखते समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिसे करने के बाद आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। जिस कमरे में अंधेरा हो वैसी जगह पर गंगा जल न रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसे लंबे समय तक न रखें बल्कि कुछ समय बाद बदलते रहें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। यदि आप इसे समय समय पर दूसरे कमरे में रखेंगे तो ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अगर आप गंगा जल का एक छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। आप सोमवार या गुरुवार के दिन गंगाजल को पीतल या चांदी के बर्तन में बंद करके रख दें। जब उसमें गंगाजल कम होने लगे तो उसमें और गंगाजल भर दें। कहा जाता है कि जिस घर में गंगाजल होता है वहां सुख समृद्धि रहती है। तो दोस्तों, आप भी गंगाजल के इन उपायों को अपनाकर अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।